गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 43 नाइन्थ क्लास 12/10/2020 की। तो आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के साइंस की वर्कशीट दोनों मीडियम में। इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ करूँगी और हिंदी की। तो जो लॉज है, लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन, ये हम लोग करेंगे। तो ज्ञान अभी स्टार्ट जहाँ से होता है, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना? हम लोग आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, रिवाइज करेंगे। जिज्ञासा दी थी हमने बल तथा गति के नियम में बहुत कुछ जाना, जैसे कि पहली चीज़ कि बल जो होता है, फोर्स जो होता है, या तो वो खींचना होता है मतलब पुल करना होता है, या फिर उसको धक्का देना होता है या पुश करना होता है। ठीक है, जब वो संतुलित बल होता है, संतुलित मतलब अगर हम दोनों साइड से धक्का दे रहे हैं, आपके पास एक मेज पड़ा है, एक साइड से एक बच्चा धक्का दे रहा है, दूसरी साइड से दूसरा दे रहा है, लेकिन दोनों का बल समान है, इक्वल है, तो परिणामी जो बल होगा वो कितना होगा? शून्य। क्योंकि भाई डेस्क हिलेगा ही नहीं, या तो एक मोटे बच्चे को एक जगह रखो और एक पतले बच्चे को एक जगह रखो, तो ऑब्वियसली जो मोटा वाला बच्चा जो है वो दूसरे को धक्का मारेगा तो जो डेस्क है वो दूसरी साइड जाएगा। लेकिन अगर दोनों का बराबर बल है दोनों साइड से, जैसे रस्सा कशी में होता है, हम जो रस्सी खींचते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, अगर दोनों के बराबर बल होता है तो रस्सी जो है एक साइड पे नहीं जाती, वहीं पे खड़ी रहती है। ठीक, तो उसे परिणामी बल जो होता है, जो लास्ट वाला बल होता है, फोर्स होता है, वो शून्य हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है, असंतुलित बल जो होता है, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब एक तरफ धक्का ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, जिसकी वजह से जो बल होता है वो शून्य से अधिक होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कहा जाता है। मतलब एक न्यूटन किसके बराबर होता है? जब एक किलोग्राम का बल जो है वो एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। मतलब वन न्यूटन इज इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसमें एक किलो का बल लगा हो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगा हो। ओके, अब आ जाएं बल तथा गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन के गति के जो नियम है, पहला नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना हो। मतलब एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो है, दैट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम अनबैलेंस फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है या कोई भी चीज़ चल रही है, तो रखी हुई चीज़ तभी मोशन में आएगी और चलती हुई चीज़ तभी रुकेगी जब बाहर से कोई फोर्स आएगा, नहीं तो वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। ठीक है, फिर दूसरा नियम जो है वो ये है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, वो जो होता है m गुणा v होता है। मतलब किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है और उसी के समानुपाती होता है। मतलब अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो संवेग ज़्यादा होगा, अगर वेग ज़्यादा होगा तो भी संवेग ज़्यादा होगा, समानुपाती होता है। मतलब अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा, फिर है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा जो नियम है वो ये कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वस्तु पर बल लगाएगी। अगर आप दीवार पर धक्का दोगे, जैसे मैंने पिछली बार क्लास में एक्सप्लेन करा था, तो दीवार भी आपको इक्वल एंड ऑपोजिट बल लगाएगी, लेकिन जो वो बल लगाएगी वो विपरीत दिशा में होगा। ओके, संवेग संरक्षण का नियम हम लोगों ने पिछली बार करा था, जिससे मैंने बताया था कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी जो है वो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के बराबर होता है। मतलब टोटल संवेग जो है वो हमेशा अपरिवर्तनीय होता है, संरक्षित रहता है, टोटल जो संवेग है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, मतलब जैसे एक आपने दीवार की तरफ धक्का लगाया, तो धक्का लगाने से पहले जितना संवेग होगा और फिर दीवार ने जो आपको धक्का लगाया उसमें जो बाद में लगने वाला संवेग होगा वो बराबर होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि जो हम लोगों ने गति का पहला नियम पढ़ा था, जिसमें कि जब तक कोई भी वस्तु हिलती नहीं है ना रुकती है, जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल ना हो, तो उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो अब हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। एक न्यूटन क्या है? एक न्यूटन है एक किलोग्राम
जब वस्तु पे द्रव्यमान लगता है और वो तब उसमें जो त्वरण प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। ओके, तो यही लिखेंगे आप। संवेग और बल के मात्रक बताइए। संवेग का जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बल का क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया संवेग का। ठीक, रुको मैं बताती हूँ। एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम का हो गया किलोग्राम, ए का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया बल का। ठीक है, अब संवेग क्या होता है? संवेग होता है एम इंटू वी, तो जिसमें एम का है किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ एक में सेकंड स्क्वायर आएगा, एक में है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, फिर है गति के तीनों नियम। लिखिए यहाँ पे गति के तीनों नियम है हमारे पास। पहला नियम ये है, गति का पहला नियम ये रहा, फिर यह है गति का दूसरा नियम और यह है गति का तीसरा नियम। फिर है गति के दूसरे नियम के दो कोई अनुप्रयोग लिखिए। गति का जो दूसरा नियम है, पिछली बार हम लोगों ने करा था कि बंदूक जब हम चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, या हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वो हमारे तरफ से इक्वल जो है धक्का लगाती है। ठीक है, तो ये गति के दूसरे नियम के दो अनुप्रयोग आ जाएंगे। फिर है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। भाई जड़त्व क्या है? जड़त्व जो ये है कि जो भी वस्तु है वो जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसका विरोध करती है, तो उसके इस गुण को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।